दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी जो है रेडमी के मोबाइल में व्हाट्सअप से जो है वीडियो कॉल नहीं हो रहा तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको जो है इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यहाँ पर मैं जो है व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पर जो है वीडियो कॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे वीडियो कॉल करता हूँ तो आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है नोट नाउ का ऑप्शन और दूसरा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है वीडियो कॉल नहीं हो रहा। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और व्हाट्सअप से आपका वीडियो कॉल नहीं हो रहा तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को जो है ठीक करना है, वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके जो है समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट जो है शुरू करते हैं और इसका जो है काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो आपका जो व्हाट्सअप ऐप होता है उस पर आपको जो है लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब थोड़ी देर दबा करके रखना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, मतलब ऐप इन्फो का ऑप्शन। तो आपको जो है ऐप इन्फो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है परमिशंस का ऑप्शन। तो आपको जो है परमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको जो है इन सारी परमिशंस को ऑन कर लेना है, इन सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। बस दोस्तों, आपको इतना सा काम करना है और आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही है और काफ़ी सिंपल जो है प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन यही है। तो आपको जो है इन सारी परमिशंस को ऑन कर लेना है और आपकी प्रॉब्लम जो है एक चुटकी बजाते ही जो है ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना और आपके प्रॉब्लम जो है ठीक हुई या फिर नहीं वो भी मुझे बता देना।